पक्की बात है। ये देख ना क्या चक्कर है, नदी का चक्कर फ्लो अब इधर आएगा जी प्रोटोकॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अगर नहीं ठीक ठाक तो हमारा आप लोग देख के इंशाल्लाह आपकी तबीयत और मूड दोनों अच्छा होने वाला है। तो सीन ये है कि अभी ये मौसम ठंडा है काफ़ी, कल बारिश हो रही थी, तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। आज का व्लॉग भी इसलिए है कि जो हमने लास्ट व्लॉग में काम नहीं करवाए थे वो इंशाल्लाह इस व्लॉग में हम अपना काम पूरे करेंगे। और आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि इंशाल्लाह आज हम क्या नाम है इसका कैरियल, बाइक का कैरियल और बाइक को नीचे से थोड़ा ऊँचा करेंगे, कोई नई लुक देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी, अगर नहीं पसंद आएगी कमेंट कर देना तो भाई रिमूव कर देंगे यार, आपसे इतनी मोहब्बत है। और बताएँ, और अभी जैसा कि मैं मौजूद हूँ अपनी छत पे और मौसम इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि रात को बारिश हो रही थी और रुकी है। मैं का क्योंकि वेदर बता रहा था कि भाई सुबह बारिश नहीं है, क्योंकि आप तो मुझे वेदर पे भी भरोसा नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या पता इस बार ना हो ऐसा। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आज धूप है, हम अपना काम करवाएंगे। अभी 9 हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम इधर से 10-10:30 बजे निकलेंगे और अपना काम करवाएंगे। बाकी आप साथ चलेंगे और साथ देखेंगे जो भी सीन होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अगर हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें वो भी आगाह कर दें उसके। और दूसरा ये कि अगर आपने अपने बाइक का रिव्यू करवाना है तो नीचे इंस्टा का लिंक है, तो उसको भी जाके मुझे उधर मैसेज कर दें, तो आपका इंशाल्लाह जो रावलपिंडी में होगा उसका भी हम रिव्यू करेंगे। बाकी चलते हैं तो जो भी सीन होगा आपको दिखाते हैं। ये खड़ा जी बाइक सही है, साफ इसे करते हैं, मिट्टी जम चुकी है यानी, लेकिन फिर भी हम हल्का सा कपड़ा मार लेते हैं ताकि जो मिट्टी इसके अंदर है वो साफ हो जाए। 3 दिन बाद निकाला है, अभी भी मौसम कोई बेहतर नहीं है, बस ये है कि गुजारे लायक ही है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, बाकी देखते हैं जो भी सीन होता है। तो जी आखिरी बार इसकी बैक लुक आप लोगों को दिखा दें, फिर इसके बाद हो सकता है आपको देखने को ना मिले, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आई तो भाई चेंज करेंगे। मेरा चेक कर सकते हैं, ये आखिरी लुक है, तो फिर इसके बाद निकलते हैं हम अपने सफ़र के जाने, देख लीजिए। देखना वो नेट फ्री हो गया, ये चेंज करना है तू पढ़ा ना, हाँ यही वाला, यही एक चेंज कर, नहीं ये तो टी से खुलता है ना, आम चाबी से नहीं खुलता, वो टी से खुलता है ना। कैरियल के बगैर ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बड़े लोगों ने कहा इसका कैरियल उतार, मैं तंग आके मैं कहा चल यार उतार देता हूँ। ये भी सही आवाम में, आवाम ने साइंस निकाली है ऊंचा कराने की। ऊंचा ज्यादा बेहतर लगता है, है नहीं आप इसे याद नहीं थी। अच्छा लगेगा पहले इधर था, हाँ अभी तो नहीं, ऊंचा ज्यादा अच्छा लगता है।
हाँ ये मसला है ना बड़ा। आ जाऊंगा, कल का टाइम है, लेके जाऊंगा फिर मैं कहूंगा कि करा दे, क्योंकि यार ऐसे आओ ना उसके पास तो बस वो कहता खिलार जो कर दूंगा, फिर रात को फिर वो बिठा के करा करके काम फिर जाना पड़ता है, पूरा दिन जाया। ये नया नट डाला है, नया ही वहां से जो भी भरी गई है ना, इसलिए आगे नहीं किया। अच्छा आज वैसे बारिश तो नहीं बताई हुई, नहीं होगी ये ऊंचा करने के लिए बड़े नट डालने पड़ते हैं। अच्छा हाँ, वो उधर चेंज किया, नट चेंज किया, वो क्यों, पहला वाला नहीं ठीक था? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। देखिए पक्का घर ही पता लगे बैठे हैं तो नीचे गिर गया। आप कर दें खुला है तो सीट लगा दी, पक्का हो गया, पक्की बात है। ये देख ना, आर यू कॉमेडी मी, क्या चक्कर है, बार बार सीट में यहाँ पे टाइटल नहीं डालते। मेहरबानी है तेरी, पक्का करी है, बात तो सही है। इधर से पक्का हुआ, वो ढीला था नट। या वाचल चेंज होगी, ठीक है जी, कैसा लग रहा जी? ये नट था ना जिसकी चूड़ियां खराब हो गई थी सारी, नया नट लाया, नया लगाऊंगा, ये जो इसको लगाओ सर कैरियर को, वो इसको लगा दूंगा। कोई नया एक्स्ट्रा मुझे भी दे दी ना, ताकि मैं जब चेंज करूं खुद काट लूं इसकी सीकर पाने से, क्या ख्याल है? इस पे थोड़ा मसला होगा तुझे, है ना? वजन डालो, ये तो आपने लगानी नहीं है ना, क्या बल्कि इशारे लगेंगे, इशारे लगे हुए हैं ना, और ये उतर जाती तो फिर सीट भी नहीं। यार ये पहले एक दफा लगाया था, उसमें इशारे लगे हुए थे साथ, सेटिंग पे लगा दो, हैं गाइड लगा दो यार, इसके साथ ही लगा,
जोर लगेगा ना, वही मैं तुझे कह, तुझे मसला आएगा आगे करूँ ऐसे हो गए। चलो जी जी, कैरियर करवा लिया हमने। अब इधर नंबर प्लेट वाली दुकान पे हैं। इधर क्या नाम है, नंबर प्लेट कह रहा हूँ, स्टिकर चेंज करवाएंगे। अभी बिजली गई हुई है, स्टिकर का इंतज़ार हो रहा है, बिजली का इंतज़ार हो रहा है। और जैसे ही बिजली आएगी और इंशाल्लाह हम वो लगाएंगे प्रोटोकॉल का स्टिकर इधर लगवाएंगे। उतनी देर में मैं ये स्टिकर उतार रहा हूँ। नंबर प्लेट वाला कह रहा जी कि बाइक बहुत खूबसूरत है। मैं कहा बस ये माशाल्लाह बोल रहे हैं आप। मैं एहतियात से उतार हूँ ताकि वो निशान भी ना पड़े ना टैंकी पे, जानवर टैंकी है पता लगे निशान पड़े हुए हैं। घूम ही नहीं रहा जी उस्ताद जी। घूम रहा है पर ये चीज घूम रही है, ये भी। और बंदा जाए तो जाए किधर जी, घूम नहीं रहा इधर जी। ब्लैक इंच पट्टी लगवाएंगे वो जरा खूबसूरत, इसको उतार के लगाएंगे ताकि वो कटिंग अच्छी हो जाए। घूम ही नहीं रहा जी ये, पहले पेज खुला। 346 मिनट्स लेटर। अच्छा जी, मैं घर आ गया हूँ। एक तो उधर बिजली भी नहीं थी, दूसरा ये है कि उनके पास वो पेचकस भी नहीं था। मेरा पेचकस टूल किट मेरी घर पड़ी थी और मेरे पास कैरियल भी था, तो मैंने कहा घर छोड़ दूंगा और उधर से ये पेच खोलने हैं ताकि वो फिर कटिंग होगी तो खूबसूरत साफ साफ भी लगेगा, इसके अलावा नहीं लगने लगा। तो इसको इससे खोलूँगा तो टापों में इसलिए नहीं रखता क्योंकि ये देखने ना ओपन है तो इधर से चोरी होने का खतरा है। तो इसलिए मैंने ये घर में रखी होती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है जिस तरह आज पड़ी है, फिर घर वापस आना पड़ा, वैसे ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। तो इसको खोलते हैं यार, फिर चाचू के पास जाते हैं। और एक और आपको चीज़ दिखाते चलो, ये उल्लू को पट्टे नहीं, ये देखें ये क्या किया उसने, इसको टाइट ही नहीं किया, खुद ही करना पड़ेगा ये। आप टाइट होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके पास ही जाऊँगा और क्या हो सकता है। बाकी ये चेक कर सकते हैं आप, और ये एंड में आपको इसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा, उसमें क्लियर बाइक नज़र आएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, बाकी उधर क्या नाम है जाते हैं, बिजली आती है तो उधर लगाते हैं हम क्या नाम है स्टिकर खूबसूरत सा। अच्छा जी, ये फैंसी नट मैंने उतार दिए हैं, 3 नट थे उतार दिए हैं। और यहाँ पे ये देखें कितनी मिट्टी जमी हुई है, इसको सारा साफ़ करूँगा। ये इधर देखें, पहले ये काम हो जाए ना तो फिर इसको साफ़ करते हैं। बाकी ये है कि अभी इसको पकड़ के ना उधर टाइट कर दूँ जो भी उसने क्या नाम है कारनामा अंजाम दिया है। अब मैं नहीं भाई जी, ये उसी से टाइट होगा, हमारे पास का काम नहीं। तो जाते हैं ये टाइट करते हैं। चक्कर के हुए इस दी सीट पीछे मोटर गार्ड चुके है ना। हां काबले लगने थोड़ा मुश्किल हो और टिला कर दे पे वापस रिवर्स। नहीं जी डैड कर रहे हैं, डैड कर सो के मैं वक्त ही पे जावा। मुश्किल है, हूं आम बंदा ऐसा नहीं खोल सकता फिर वापस है ना, जोर लगना है। हां जोर जोर का काम है, लेकिन वापस वापस नहीं खोल, नहीं
नहीं जैनवन से बंदा खोल लेना, आम बंदा भी, मैं भी खोल लेना, लेकिन हूं जो काम हो गया ना वो आम बंदा नहीं खोल सकता, जोर वाला काम है। ते चाबियां नाल ही खुलता है, आम पाने नाल नहीं खुलता, जेड़ी इसके अंदर किट होती है। तकना जी नट ही ना फिसल जाए, बाद वक्ता पैंदा। 346 मिनट्स लेटर। डिसेंट ही हो ज्यादा, वो ओवर भी ना लगे हैं। ओवर भी ना लगे। हाँ। ये ठीक है साइज़। हैं? आज तो ठीक है। सारा काम रुका हुआ है। आपका सारा काम है। आपका भी तो काम रुका हुआ है। तक जी मार। आप बहुत पीछे हो। नीचे 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 बात। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखना जी वो है। हाँ जी ऐसे ही है। हम असल में जो है ना बगीचे हैं। ये स्टील नजर ना है। हाँ ठीक है। वो ना इसके ना ये सुराख इधर हल्के फुल के ना वो कर दें ताकि मैं पेच लगा दूं। पेच लगा दूं। बड़े लोग, मैं ये वीडियो डालता हूँ ना तो बड़े लोग कहते हैं भाई आप अंकल ना बड़े सस्ता काम करते हैं, हमें बताएं जी ये कहाँ पे है। मैं इधर ये जरा वो कर देना। अब मजा कर रही है ना। अब क्यों कर सकते हैं। हैं जी डिस्काउंट करेंगे जो भी आएगा ये वीडियो देख के। वो तो डिस्काउंट है ना, मेरे वाला डिस्काउंट करेंगे जो मेरे साथ करते हैं। मुझे लोग कहते हैं आप बचपन से जाते हैं ना इसीलिए आपको डिस्काउंट करते हैं, हमें नहीं करेंगे। बस ठीक है, बस जी मेरे वाले डिस्काउंट रेट में आपको भी मिल जाएगा, जो जितने का काम करा रहा हूँ उतने का आपको मिल जाएगा। चलिए वो तब भी तो ये बात करते कहते मार्केट में ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट में इतना महंगा दे रहे हैं और यहाँ पे आपको इतना सस्ता। उस दिन मुझे ये भाई कहता है ये मैंने नंबर प्लेट आपसे बनवाई है ना, कहता है हो ही नहीं सकता 150 रुपए की बनवाई हो, बाहर से 250-300 में का लेते हैं। फाइनली जी बाइक इज डन और ये है कि मैं कहता हूँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आपको कैसा लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, बाकी ये है कि बाइक कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं कहता हूँ आपने सिनेमैटिक शॉट में देख लिया होगा, बाकी मेरे तो पैसे तब भी पूरे होंगे जब आप मुझे बताएंगे कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे। मुझे तो अच्छा लगा है, ये नहीं कि नहीं लगा। मैं पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा लग सकता, क्योंकि मैंने इसको पहले वो करवाया था कैरियल के बगैर ऊंचा करवाया था, कैरियल क्या नाम है उतारा था तो नीचे था, तो आज मैंने मुकम्मल इसका सारा काम करवाया है। तो बाकी ये आपके सामने है कुछ सूरत हाल और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है बाइक। और ये है कि और भी वीडियोज़ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह हम फटाफट बनाएंगे और आपको अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह कंटेंट आपको बेशुमार मिलने वाला है और अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाइज मिलने वाला है। बाकी ये थी आज की वीडियो और मुझे दीजिए इजाज़त और सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और बाकी अगर आपने अपने
उसका रिव्यू करवाना है बाइक का, तो मुझे इंस्टा पे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी आप मेरी इंस्टा पे जाके मेरी रील्स वगैरह देख सकते हैं, बाकी इसकी पिक्चर्स वगैरह जो भी हैं वो वहाँ पे अपलोड करता हूँ। और ये थी आज की वीडियो, और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है जी, सब्सक्राइब लोग करते नहीं हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं यार, ये तो जाती है मेरे साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।